खराब तो उसमें रह के आना ख़राब नहीं लग रहा है रह के आना तो मुझे अच्छा लगा एंड आई एम ग्लैड कि uh, मैं इस शो में आया कलर्स uh, वालों ने मुझे uh, इसके लिए अप्रोच किया और मुझे वो यहाँ लेके आए बहुत अच्छी बात है हाँ मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट है कि uh, मैं एविक्शन डिजर्व नहीं करता था अभी और uh, मुझे एविक्ट किया गया एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर मी और uh, मैं बहुत अच्छा खेल रहा था और आगे मेरी गेम और बेटर हो सकती थी अगर मुझे मौका मिलता बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एविक्शन हो चुका है पॉजिटिव uh, फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मिला है ऑडियंस वालों ने आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे बाहर आते ही और सबने बोला कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी मुझ पर कि काफ़ी सारे लोग ये समझते थे कि मैं अपनी इमेज क्लियर करने जा रहा हूँ तो मेरे दोस्तों मेरी इमेज कभी ख़राब थी ही नहीं मेरी इमेज अच्छी थी बस आपको आपने मुझे देखा मुझे रियल देखा मैं रियल कैसा हूँ मेरी रियलिटी देखी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा इंसान कैसा हो सकता है और मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं था इस शो में जाना मेरा मोटिव था इस शो में खेलना और इस गेम को जीतना जिसमें मैंने कोशिश की बट अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर आ गया न्यूट्रल हम कैसा फील करते कि यार ये ना मैं न्यूट्रल हूँ कि मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ मैं राइट भी जा सकता हूँ राइट तो दो, दो चीज़ें बनी है जीत हार बनी है यहाँ पे बना था मेरा अंदर रहना या बाहर जाना दोनों चीज़ें बनी थी और अगर मैं दोनों के लिए प्रिपेयर हूँ कि हाँ यार अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जा सकता हूँ लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जाऊँगा और वो चीज़ मुझे थोड़ी सी मुझे खली कि मेरे को एविक्ट कर दिया यार मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं थी और बाहर आके मैंने लोगों से भी सुना कि हाँ अनएक्सपेक्टेड था सबको ऐसा लगा कि मुझे रहना चाहिए था और अगर मैं रहता तो मेरी गेम बहुत ब्लास्ट होने वाली थी बट I'm out. द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो मेरे लिए था क्योंकि मैं अकेला रहा हूँ और इतने सारे लोगों के साथ एक घर में रहना एक रूम शेयर करना बेड शेयर करना डाइनिंग टेबल पे साथ में खाना खाना साथ में खाना बनाना फिर वॉशरूम सेम यूज़ करना तो वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा मुझे लगा था मुश्किल वो थोड़ा तो स्टार्ट स्टार्ट में लगा था उसके बाद मेरे को आदत हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं उन लोगों को मिस कर रहा हूँ वो डाइनिंग टेबल पर खाना सबसे बात करना चाहे झगड़े होते थे जैसा भी होता था सो आई एम मिसिंग हाउस झगडना झगडना नहीं होती। एरुगेंस होती? एरुगेंस होती किसने बोला है कि आप मुझसे से, से बात कर रहे और मैं आपको स्टोन फेस्ड वाइब दे रहा हूं वो होती है एरोगेंस एरोगेंस इज डिफरेंट थिंग और झगड़ा होना झगड़ना वो अलग चीज है हर इंसान को गुस्सा आता है हर इंसान झगड़ा करता है अगर आप मुझे कुछ कोई चीज बुरी बोलेंगे अगर मैं उससे उस पर आप पे रिस्पॉन्ड uh, करके आपसे झगड़ा कर देता हो आप बोलते हो कि ये मेरी एरोगेंस है देन यू आर रॉन्ग मेरी एरोगेंस बिल्कुल नहीं थी मेरा नेचुरल था कोई इंसान कुछ गलत करता है किसी के साथ भी करता है या मुझे कुछ उल्टे शब्द बोलता है अब्यूजिव लैंग्वेज बोलता है कुछ गलत एक्शन लेता है मेरे खिलाफ तो ऑब्वियसली मेरा रिस्पॉन्ड देना बनता है अगर वो रिस्पॉन्स uh, मेरा अगर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है हो सकता है कि दिखने में ऐसा लगे कि मैं बहुत गुस्से में हूँ बट uh, वो मेरा रिस्पॉन्ड स्टाइल हो सकता है और एक एक रिस्पॉन्ड की एक एक लेवल होता है कि लेवल का आपको इंसान ने वो बात बोली है कुछ इंसान होते हैं जो गालियां ले लेते हैं कुछ इंसान होते हैं जो गालियां नहीं सुन पाते फिर उस करते हैं तो वही है है वो मेरी नहीं बिल्कुल नहीं बोला कि इनोसेंस मेरी इनोसेंस ने कुछ ऐसा किया कि शो में मैं खेल नहीं पाया दिस फॉर्मेट इज वेरी डिफरेंट तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं, uh, मैं इस चीज के लिए बट मैंने फ़ाइट किया है मैंने खेला है मैंने कहीं भी ऐसा मेरे कहीं नहीं लगने दिया कि यार मैं इनोसेंट इनोसेंटू नहीं मैं बेचारा प्ले करने का तो मैं मेरी लाइफ में नाम ही नहीं है कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूँ या बेचारा प्ले करूँ ये ना तो मुझे पसंद है ना मुझे आता है तो मैं बहुत स्ट्रॉगली खेला हूँ बहुत अच्छे से खेला खेलाऊँ कितना स्क्रीन टाइम मिला है वो मेरे हाथ में नहीं है कितना आप लोगों को दिखाया गया है वो मेरे को पता नहीं है बट मैंने अपना जितना दे पाया हूँ दिया है और आई थिंक अगर मैं रहता तो शायद इससे और बेटर करता और ज़्यादा अच्छा करता